बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोया मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइजर्स से व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम आपको डेवलपमेंट अपडेट्स देंगे मॉडर्न कॉम्प्लेक्स क्लिनिक जो कि बहरिया फेज़ 8 के अंदर वाकई, आपको डेवलपमेंट भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कहाँ तक काम पहुँच चुका हुआ। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको मज़ीद बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सके। सो मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स अगर आप देखते हैं तो ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़ है, जिसने हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बहुत सेंट्रल लोकेशन बनने जा रहा है बहरिया फेज़ 8 के अंदर, जहाँ पे 45 टू 50 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाई राइजेज ही बन रहे हैं। एग्जैक्टली जिसने आपको इस्लामाबाद के अंदर जो है ब्लू एरिया नज़र आता है कि सेंटर से आपके पास डबल रोड जा रही है और दोनों साइड पर आपके पास जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। अब जाके आप वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स की प्राइसेस देखें तो वो करोड़ों में। इस टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे उसी तरह की हाई राइजेस बन रही है दोनों साइड पे। एक साइड पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और दूसरे साइड पे आपके पास बहरिया फेज 8 का जो हेड ऑफिस है वो बनने जा रहा है। सो जो मॉडर्न क्लिनिक है वो बिल्कुल सेंटर में वाकई आपके इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कॉन्सेप्ट के लिहाज से सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर आप बाकी प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, शॉप्स मिलती हैं, ऑफिस मिलते हैं। तो अब अगर आपने अगर अपार्टमेंट लेना है तो शायद आपके पास बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 45 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप 45 प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, उनमें से कहीं पे अपार्टमेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप शॉप लेना चाहते हैं तो शायद आपके पास अराउंड 50 प्रोजेक्ट्स बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जिनके अंदर आप शॉप ले सकते हैं। तो ये एडवांटेज इनिशियली तो है, लेकिन जब आप सेलिंग के लिए जाएंगे, जो परचेजर होगा, जब आप ये पोजिशन में लेगा और आप उसे रीसेल करना चाहेंगे, तो जो परचेज करने आएगा वो उसके पास ही मल्टीपल ऑप्शंस होंगी परचेज करने की, तो शायद प्राइसेस जो है उस लिहाज से वेरी करें। लेकिन जो मॉडर्न क्लिनिक है उसकी यूनिकनेस आपके पास या यूएसपी सबसे बड़ी ये है कि ये एक हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे फार्मेसीज होंगी, यहाँ पे लैब्स होंगे, यहाँ पे क्लिनिक्स होंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग थिएटर्स होंगे। और ये एक ही प्रोजेक्ट है अपनी नोयत का, अपने उस यूनिकनेस के लिहाज से। इसके अलावा आपके पास बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको फार्मेसी मिले, जहाँ पे आपको लैब मिले, या आपको स्मार्ट क्लिनिक्स या एग्जैक्टिव क्लिनिक्स मिले। तो ये सारा एडवांटेज आपको मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स में मिलता है। इसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा? इसकी वजह से एडवांटेज ये होगा कि ये बिल्डिंग क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट की होगी, तो यहाँ पे जो आपके प्राइसेस या रेंटल्स हैं वो शायद पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि अगर किसी ने फार्मेसी में इन्वेस्टमेंट करना है या लैब लेनी है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास आईडीसी आता है, आईडीसी कहता है हमें लैब चाहिए, तो और किसी भी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो शायद उनको यहीं पर चीज़ परचेज करनी पड़े। किसी ने क्लिनिक ओपन करना है तो बाकी जगहों पर कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो क्लिनिक ओपन नहीं कर सकता, ये प्रोजेक्ट ही हॉस्पिटल के तौर पर बन रहा है, तो यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे जो रेंटल्स हैं या रीसेल वैल्यू को वो अमूमन बाकी प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा होगी। सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये जो है यूनिकनेस की वजह से, जब जब प्रोजेक्ट आपका यूनिक होता है, उसको कोई ना कोई एज होता है या डिफरेंशिएशन होती है किसी लिहाज से, तो वो प्रोजेक्ट हमेशा आपको बाकियों के लिहाज से ज़्यादा एडवांटेज देता है। इसकी बहुत बेहतर एग्जाम्पल ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर चक्री का एरिया पूरा देखते हैं, जहाँ पे तकरीबन 65 सोसाइटीज़ हैं इन टोटल, वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। अगर आप उसमें देखते हैं कि जो डेवलपमेंट कर रहा है तो वो तकरीबन 10 सोसाइटीज बनती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो लोग फोकस करते हैं वो ब्लू वर्ल्ड पे करते हैं। हालांकि ब्लू वर्ल्ड के पास एनओसी नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पे क्यों इंक्लाइंड होते हैं, क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट इस स्पेस पे वहाँ पे कर रहे हैं जो कि उनको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट दे रहा है चक्री के अंदर। तो अब वो जब वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, लोग रीसेल भी कर रहे हैं, लोग और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू ब्लू वर्ल्ड कम डेवलपमेंट कर रही है, तो वहाँ पे लोग नहीं आ रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या जो लोग ले चुके हैं वो फंस चुके हैं, उनकी चीज़ें रीसेल नहीं हो रही। सो इसी तरीके से जो मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे यूनिकनेस जब आपको मिलती है तो आपको फ्यूचर में जो एडवांटेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब हम आपको साइट पे लेके चलते हैं और साइट पे दिखाते हैं कि डेवलपमेंट के लिहाज से क्या है। डेवलपमेंट यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, बाकी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में हम दिखाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स की साइट पे। आप मेरे पीछे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो देख सकते हैं, फुली वाइड रोड्स के साथ ये एरिया बनाया जा रहा है। अभी मैं मूव करूँगा फॉरवर्ड साइड पे, ग्रीन बेल्ट पे हमारा ये साइट ऑफिस बना हुआ है मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से, और अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसकी एक्चुअल साइट और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कहाँ तक हमारी
साइट जो है वो पहुंच चुकी हुई है, कितना काम रह गया है, कितने साल का पेमेंट प्लान है एंड सो ऑन। ये एक्चुअल साइट है मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स की, जिसमें हम डबल हाइटेड कॉलम जो हैं ग्राउंड फ्लोर के, उन पे एक साइड पे काम मुकम्मल करके छत का काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की, और एक साइड पे हम अभी ग्राउंड फ्लोर के जो डबल हाइटेड कॉलम्स हैं उनकी स्टील बाइंडिंग कर रहे हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर हमारा तैयार हो चुका हुआ है यहाँ पर, और इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर पे अभी काम जारी है। लोअर ग्राउंड पे चार बड़ी लेबॉर्ट्रीज की स्पेसिस हैं, जिसमें MRI, CT स्कैन, डायलिसिस सेंटर्स, एक्सरे सेंटर्स ओपन हो सकते हैं, और इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर जो है वो सारी मेडिकल शॉप्स हैं, जिसमें फार्मेसी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, कॉस्मेटिक स्टोर्स और किसी किस्म के भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या एक आधा ग्रॉसरी स्टोर भी आप ओपन कर सकते हैं। प्योर क्लिनिक बेस्ड प्रोजेक्ट है। अभी मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे मूव ऑन करूँगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि इसके अंदर हमारा जो स्टील वर्क्स है, जो छत का काम हो रहा है उसके ऊपर ये स्टील भी काटा जा रहा है। चार लिफ्ट्स हमने इसमें दी हैं, जिसमें प्रॉपर एक स्ट्रेचर साइज़ की लिफ्ट आती है, एक डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड है, और दो जो लिफ्ट्स हैं वो जनरल पब्लिक और पेशेंट्स के लिए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर डबल हाइटेड। ये आपके पास ये 10x7 की एक स्ट्रेचर साइज की लिफ्ट आ गई। इसी के साथ ये आपकी डॉक्टर्स के लिए आ गई एक लिफ्ट, ये आपकी जनरल पब्लिक के लिए आ गई लिफ्ट, और ये भी एक जनरल पब्लिक के लिए लिफ्ट आ जाती है। मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर क्लिनिक्स डॉक्टर्स के लिए दिए जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे आपको डॉक्टर्स के प्रॉपर क्लिनिक्स मिलते हैं। उससे ऊपर प्रॉपर हमारे पास हॉस्पिटल फ्लोर मौजूद है, फिर क्लब फ्लोर है, यानी कि एक ही छत के नीचे डॉक्टर्स को वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जो कि बाहर किसी भी प्लाजा के अंदर अगर वो क्लिनिक बनाते हैं तो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ एक छत के नीचे जो है वो नहीं मिलती। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।